तो so ये है पहला क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि अ न्यू रिकॉर्ड फॉर रनिंग द द ऑफ दम्पायर स्टेट बिल्डिंग वॉज सेट इन द ईयर 2003 तो इस रिकॉर्ड uh, में हुआ क्या कि विदोटल ऑफ वन फाइव सेवन सिक्स स्टेप्स जो स्टेयर्स के जो नंबर ऑफ स्टेप्स थे वो थे 1576 एंड इट वॉज रन बाय अ रनर एंड ये स्टेप्स को कवर करने के लिए रनर को केवल नाइन मिनट्स एंड थर्टी थ्री सेकेंड्स लगे एंड स्टेप का जो एलिवेशन था ये जो एलिवेशन हर एक स्टेप का वो एलिशन टू मीटर तो टोटल एलिवेशन कितना हुआ होगा देखो वन फाइव सेवन सिक्स स्टेप्स थे और एक का एलिवेशन इतना है तो टोटल तो, हाइट जो रनर uh, ने गेन की होगी दैट वुड बी वन फाइव सेवन सिक्स मल्टीप्लाइड विद पॉइंट टू इतना किया होगा ओके okay. रनर का जो मास है वो हमें दे रखा है सेवेंटी के और हमें ये बताना है कि वट वॉज हिज एवरेज पावर आउटपुट ड्यूरिंग द क्लाइम मतलब जब वो क्लाइम कर रहा था इतने सारे स्टेप्स तो इसका एवरेज पावर आउटपुट कितना हुआ होगा रनर का ये हमें बताना है देखो तो पावर हमें मालूम है पावर क्या होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क तो पहले हम निकाल लेते वर्क कितना किया उसको डिवाइड कर देंगे ताइम से ताइम हमें दे रखा है कि इसने कवर कितने में किया 9 minutes and 33 seconds. तो पहले काम करते वर्क निकाल लेते तो ये है कुछ एलिवेशन एच हाइट इतनी गेन करी है जो कि वैल्यू इतनी है एंड जो मास है रनर का वो हमें दे रखा सेवेंटी के जी तो रनर ने कितना वर्क किया होगा एच हाइट गेन करने के लिए दैट वुड बी इक्वल्स टू एम जी एच यही होगा तो वर्क विल बी इक्वल्स टू मास कितना है इसका सेवेंटी के जी है जी की वैल्यू है नाइन पॉइंट एट वन एंड एच हमारे पास दे रखा है वन फाइव सेवन सिक्स मल्टीप्लाइड विथ पॉइंट टू तो इतना तो वर्क इस पर्सन ने किया ऊपर क्लाइम करने के लिए और कितने टाइम में किया इतना वर्क इतने टाइम में तो एवरेज पावर क्या होती है वर्क डिवाइड बाय टाइम सिंपल सो वर्क एज इट इज आप इसको पुट कर दो दिस इज 70 मल्टीप्लाइड विद 9.81 मल्टीप्लाइड विद 1576 मल्टीप्लाइड विद 0.2 तो ये किस में आएगा जूल्स में डिवाइड बाय टाइम कितना है 9 मिनट्स देखो इसको टोटल सेकंड्स में लेंगे तो 9 को मल्टीप्लाई करो 60 से इतने सेकंड्स प्लस 33 सेकंड्स और हैं तो सो so प्लस 33 अब इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर एंड जो पावर आउटपुट होगा दैट वुड बी नियरली 380 एट्टी वॉट तो इतनी पावर रनर ने प्रोड्यूस करी रनिंग द स्टेयर्स अच्छा वनिंग एच पी में भी लिखना है हॉर्स पावर में भी लिखना है तो हमें मालूम है कि वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू सेवन फोर्टी सिक्स वॉट तो यहां से आंसर आ जाएगा हॉर्स पावर में दैट वुड बी तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो so, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं वी हैव टू कैलकुलेट द पावर आउटपुट ऑफ अ 14 मिलीग्राम फ्लाई एज इट वॉक्स स्ट्रेट अप अ विंडो पेन ऑफ 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड ओके तो मास uh, हमें कितना दे रखा है फ्लाई का दिस इज 14 मिलीग्राम तो वो मिलीग्राम को पहले मैं कन्वर्ट करूंगा के में तो टेन टू द पावर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना मिली कन्वर्ट हो गया ग्राम में मिली को हटा दिया टेन टू द पावर माइनस लगा दिया ग्राम को फिर कन्वर्ट करने के लिए के में क्या करना पड़ेगा टेन टू द पावर माइनस थ्री से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये बन जाएगा के में तो ऑल ओवर कितना हो गया फोर्टीन मल्टीप्लाइड विथ टेन टू द पावर माइनस सिक्स के जी एंड कितनी स्पीड से जा रहा है टू पॉइंट थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो अगर मैं इसको मीटर पर सेकेंड में लिखू तो दिस वुड बी टू पॉइंट थ्री मल्टीप्लाइड विद टेन टू द पावर माइनस टू मीटर पर सेकेंड तो पॉइंट मास्ट लेके चलते हैं कि ये अपने पास फ्लाई है एंड ये कुछ ऊपर जा रहा है विद दिस मच ऑफ स्पीड तो देखो पावर हमें पता क्या होती है एफ टाइम्स वी अब फोर्स एफ किसके बराबर होगी वेट फोर्स के बराबर फोर्स तो से ऊपर लगा रहा है बट क्योंकि कॉन्स्टेंट विलॉसिटी से मूव कर रहा है तो ये फोर्स एफ किसके बराबर होनी चाहिए ग्रेविटी फोर्स एम के बराबर तभी तो कॉन्स्टेंट वी से मूव कर पा रहा है अदरवाइज तो एक्सलट कर जाता तो एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं एम जी और वी की जगह वी अब तो कुछ बचा नहीं जस्ट पुट द वैल्यूज़ सो मास हमारे पास है 14 मल्टीप्लाइड विद टेन टू द पावर माइनस सिक्स के जी तो होता ही है स्टैंडर्ड 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वेड वी जो होता है ये हमें दे रखा है इक्वेशन में 2.3 इसको अगर मीटर पर सेकंड में लिखूं तो 10 टू द पावर माइनस टू मीटर पर सेकंड अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड यू गेट द पावर आउटपुट टू बी इक्वल्स टू थ्री पॉइंट टू टेन टू द पावर माइनस सिक्स वॉट्स अगर आप इसको माइक्रो uh, वॉट में लिखना चाहो तो हमें पता है वन माइक्रो क्या होता है वॉट इज इक्वल्स टू टेन टू द पावर माइनस सिक्स वाट्स तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं थ्री पॉइंट टू माइक्रो वॉट्स तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो so, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहां पे क्या रहे हैं आइस क्यूब इज प्लेस्ड इन द माइक्रोवेव ओवन तो माइक्रोवेव ओवन में हमने आइस क्यूब्स रख दिए अच्छा अब रहे हैं सपोज द ओवन डिलीवर्स 105 ऑफ पावर टू द आइस क्यूब तो पावर जो हीट बेसिकली हीट जो इस पे लग रही है दैट इज वन हंड्रेड फाइव वॉट्स और एंड इट टेक्स थर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड जूल्स टू मेल्ट इट तो कितना टाइम लगा होगा आइस क्यूब को मेल्ट होने में तो पावर इज बेसिकली वॉट द रेट ऑफ डूइंग वर्क तो टाइम यहां से कितना आ जाएगा डब्ल्यू बाई पी तो so, कितना वर्क चाहिए थर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड जूल्स एंड कितनी पावर इसको डिलीवर कर रहे हैं हम लोग दैट इज वन हंड्रेड फाइव वॉट सो यूल गेट द आंसर इन सेकेंड्स दैट इज थ्री हंड्रेड सेवन अगर आप मिनट में लिखना चाहोगे दैट वुड बी फाइव पॉइंट वन वन मिनट्स तो so, बहुत इजी क्वेश्चन था अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो so, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं यू रेस अ बकेट ऑफ वॉटर फ्रॉम बॉटम ऑफ अ डीप वेल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो आप इसको रेस कर रहे हो एंड इफ योर पावर आउटपुट इज वन हंड्रेड एंड द मास ऑफ द बकेट एंड वॉटर इज फाइव के जो टोटल मास है बकेट का और वॉटर का दिस इज फाइव के जी एंड हमें बताना विद वट स्पीड यू रेज द बकेट इग्नोर द वेट ऑफ द रोप तो अगर ये अपने पास बकेट है तो ग्रेविटी फोर्स इस पर लग रही होगी नीचे की तरफ एंड आप इस पर कुछ फोर्स लगा रहे हो एफ ऊपर की तरफ एंड क्योंकि ये कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम जी के बराबर तो पावर आउटपुट हमें दे रखी है वन हंड्रेड एट वॉट्स हमें निकालनी है स्पीड तो हमें पता है पावर इज एफ टाइम्स वी होता है तो जो एफ है दिस इज एम जी टाइम्स वी एंड पी तो एज इट इज तो यहां से जो वी की वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू पी ओवर एम जी तो पावर आउटपुट हमें दे रखा है आप सिंप्लीफाई करोगे स्पीड आ जाएगी टू पॉइंट टू जीरो मीटर पर सेकेंड तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का सो so, ये नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहां पर क्या रहे एक फिश है जिसका नाम है शिणक सेमोन एंड ये डिस्टेंस uh, कवर कर रही है थ्री थाउजेंड किलोमीटर अपस्ट्रीम इन अबाउट नाइन्टी डेज तो अपस्ट्रीम बेसिकली मतलब कुछ इस तरीके से ये मूव कर रही है एंड कितना किलोमीटर इसने कवर किया है दिस इज थ्री थाउजेंड किलोमीटर एंड कितना टाइम uh, इसको लगा नाइन्टी डेज इसको लगे कवर करने में एंड जो वर्क फिश ने किया इतना डिस्टेंस कवर करने में वो हमें दे रखा है वन पॉइंट सेवन टाइम्स टेन टू द पावर सिक्स जूल्स दो पार्ट है इस क्वेश्चन का ए पार्ट में हमें बताना है वट इज द एवरेज पावर आउटपुट ऑफ द एज इट स्विम्स अपस्ट्रीम तो जब ये अपस्ट्रीम जा रही है तो कितना इसकी पावर रही होगी तो देखो एवरेज पावर अपन यहां से निकाल सकते हैं दिस इज द वर्क डॉन डिवाइड बाई टाइम तो वर्क इसने कितना किया है वो हैन पॉइंट सेवन टाइम्स टेन टू दावर सिक्स जूल्स एंड जो टाइम इसको लगा वो है 90 डेज तो 90 डेज को अगर मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करूं देखो 90 डेज एक दिन में कितने घंटे 24 फोर आवर्स और एक घंटे में कितने मिनट्स 60 मिनट्स और एक मिनट में कितने सेकंड्स 60 सेकंड्स तो मैंने यहाँ पे डेज को कन्वर्ट कर दिया है सेकंड्स में मतलब 90 डेज में इतने सेकंड्स होंगे अब इसको आप सिंप्लीफाई करो यूजिंग योर कैलकुलेटर गेट द आंसर टू बी जीरो पॉइंट टू टू तो ये हो गया आंसर ए पार्ट का नाउ सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है uh, तो व्हाट इज रही होगी तो कितनी उसने हो तो देखो पावर हमें पता है फोर्स टाइम्स वी भी होता है अगर हम ये स्पीड निकाल ले जावे तो फोर्स केवल इजिली निकाल ले जाएंगे तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कितना डिस्टेंस कवर किया इसने 3000 किलोमीटर इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करो ताकि मीटर में आ जाए एंड सेकेंड्स वही फिर सेम चीज़ नाइन्टी इंटू ट्वेंटी फोर इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी इतना सेकेंड्स उसने लिया इतना डिस्टेंस कवर करने में तो यहाँ से जो स्पीड की वाले निकल के आएगी वो आएगी ज़ीरो पॉइंट थ्री एट सिक्स मीटर पर सेकेंड अब ईजिली हम ये एफ uh, की वाले निकाले जाएंगे सो so, यहाँ से एफ जो होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू पी ओवर वी बोल दो यार पावर हम निकाल चुके हैं 0.22 पॉइंट वॉट्स और स्पीड भी हम निकाल चुके हैं 0.386 मीटर पर सेकेंड नाउ यू विल गेट द आंसर टू बी 0.57 न्यूटन तो इतनी एवरेज फोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगा रही होगी देखो एक्चुअली क्या ये एवरेज फोर्स आई है बट कभी इसने फोर्स ज्यादा लगाई होगी कभी फोर्स कम लगाई होगी तो ये एवरेज जो ओवर द नाइन्टी डेज में जो एवरेज जो फोर्स ने लगाई होगी वो एक्चुअली यहां पे निकली है दैट इज पॉइंट फाइव सेवन न्यूटन और ये पावर भी एवरेज पावर है ओवर द नाइन्टी डेज एवरेज कितनी उसने पावर लगाई होगी दैट इज दिस वैल्यू तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो so ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहां पे कह रहे हैं अ कयाकर पैडल्स विद अ पावर आउटपुट ऑफ 35 फाइव वॉट्स टू मेंटेन अ स्टेडी स्पीड ऑफ टू पॉइंट टू फोर मीटर यहाँ पे क्या है? जो पर्सन बोट uh, को चला रहा है ना उसको बोलते हैं कयाकर तो यहाँ पे ये यह गर्ल है तो इसको बोलेंगे कयाकर और ये बोट को बेसिकली हम बोलते हैं कयाक ओके okay. तो ये गर्ल uh, जो पावर प्रोड्यूस कर रही है वो है थर्टी फाइव वॉट बाई पेडलिंग एंड जिसके कारण जो स्टडी स्पीड है बोट की वो है 2.24 मीटर पर सेकेंड हमें ये निकालना है कि रजिस्ट्री फोर्स कितनी लग रही होगी तो देखो जब ये इस तरफ मूव कर रही है इस डायरेक्शन में तो जो रजिस्ट्री फोर्स जो इस पे लग रही होगी बोट पे वो पीछे की तरफ लगेगी बोल दो यार लेट दिस बी एफ आर रजिस्ट्री फोर्स के लिए एफ आर एंड जो ये फोर्स लगा रही है, वो है एफ एंड क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि एफ दिस शुड बी इक्वल्स टू एफ आर मतलब जितना वर्क ये गर्ल बोट पे कर रही है उतना ही वर्क फ्रिक्शन बोट पे कर रहा है इसीलिए जो नेट uh, फोर्स है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो जीरो है और ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है ये चीज समझनी बहुत जरूरी है तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो अब आगे मूव करते हैं देखो जो पावर होती है दिस इज फोर्स टाइम्स स्पीड ये चीज हमने पढ़ी है तो यहां से फोर्स जो होगी किसके बराबर हो जाएगी पी ओवर वी ये फोर्स कौन सी है जो ये पर्सन इस पे लगा रही है ये एफ है तो पावर कितनी प्रोड्यूस कर रही है पर्सन दिस इज 35 फाइव वॉट एंड स्पीड कितनी है 2.24 मीटर पर सेकेंड सो ये वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट 15.6 पॉइंट न्यूटन एंड क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू एफ आर है तो रजिस्ट्री फोर्स भी इस पर कितनी लग रही होगी इतनी ही लग रही होगी फिफ्टी तो ये था का लग, में रहे हैं कि डबल्स हर पावर आउटपुट एंड द रजिस्ट्री फोर्स ड्यू टू वॉटर रिमेन्स द सेम बाय फैक्टर स्पीड चेंज देखो कह रहे हैं कि अगर पावर डबल हो जाए और ये जो फोर्स है ये सेम रहे तो स्पीड को आ, स्पीड में चेंज कितना आएगा तो अगर ये डबल हो रही है तो इसको भी डबल होना पड़ेगा तभी ये टू टू कटेगा बेसिकली ये एफ आर भी सेम रहेगा तो स्पीड को डबल होना पड़ेगा तो बी पार्ट का मैं बोल सकता हूं कि दट स्पीड विल डबल तो ये था आंसर बी पार्ट का अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो so, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहां पे कह रहे हैं ह्यूमन पावर्ड एयरक्राफ्ट रिक्वायर अ पायलट टू पेडल एज इन बाइसिकल तो ये मैंने जब चैप्टर हम जब पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी डिस्कस किया था ह्यूमन पावर्ड एयरक्राफ्ट के बारे में तो कह रहे जो पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है पर्सन दिस इज अबाउट पॉइंट थ्री हॉर्स पावर एंड जो एयरक्राफ्ट जो फ्लाई हुआ था इट वॉज अबाउट टू आवर्स फोर्टी नाइन मिनट्स तो इतनी पावर प्रोड्यूस हो रही है बाय द पर्सन एंड इतने घंटे उसने फ्लाई किया हमें ए पार्ट में यह बताना है हाउ मच एनर्जी डिड द पायलट एक्सपैंड ड्यूरिंग द फ्लाइट कितने एनर्जी उसने लगाई बेसिकली कितना वर्क उसने किया फ्लाइट के ऊपर ये हमें निकालना है तो ए पार्ट तो काफी इजी है तो वर्क हमें पता है दिस इज पावर विद टाइम तो कितने पावर प्रोड्यूस कर रहा है दिस इज पॉइंट थ्री हॉर्स पावर तो पहले मैं हॉर्स पावर को कन्वर्ट कर लेता हूँ वॉट्स में तो हमें पता है वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू सेवन तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 746 से सिक्स तो इतने वॉर्ड्स बन गए तो इतनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है अच्छा अगर मैं इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास जूल्स uh, में आंसर आ जाएगा टाइम कितना हमें दे रखा है टू आवर्स एंड फोर्टी नाइन मिनट्स तो हमें जो टाइम है वो सेकेंड्स में रखना पड़ेगा तो टू आवर का मतलब कितना हुआ मल्टीप्लाई करूँ सिक्सटी से तो सिक्सटी इतने मिनट्स हो गए इसको फिर से सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतने सेकेंड्स हो गए प्लस अब 49 मिनट्स और भी है तो 49 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इतने टोटल सेकंड्स आ गए बोल दो यार कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे यहां से जो वर्क की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट वुड बी अराउंड 2.27 टाइम्स 10 टू द पावर 6 जूल्स और हमें पता है टेन टू द पावर सिक्स क्या होता है मेगा तो मैं बोल सकता हूं कि टू मेगा जूल्स इतना वर्क उसने किया इन दिस टाइम स्पैन ओके बी पार्टनर हमें बता रहे हैं कि व्हाट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ स्नीकर बार्स द पायलट वुड हैव टू कंज्यूम टू बी फ्यूल्ड अप फॉर द फ्लाइट कह रहे हैं कि कितने स्नीकर्स बार वो खाए ताकि वो uh, इतनी इतना वर्क वो कर सके देखो बॉडी को भी तो कुछ एनर्जी चाहिए तभी तो वो वर्क कर पाएगी तो कुछ खाओगे तो वो कुछ उससे कुछ एनर्जी मिलेगी तब आप उसको वर्क आप कर पाओगे तो कह रहे कितने स्निकर बार वो पायलट खाए कि आप इतना वर्क वो कर, आ, कर सके तो यार देखो हमें ये चीज ये रखी है कि एक स्निकर बार में कितनी एनर्जी होती है टू एटी कैलोरी पर बार एंड वन कैलोरी इज अराउंड फोर वन एट फोर जूल्स तो uh, एक काम करते हैं Uh, इसकी एनर्जी निकालते हैं uh, एक बार की एनर्जी वन बार की एनर्जी इन uh, जूल्स तो देखो यार एक स्नीकर में कितनी कैलोरी होती है टू एटी कैलोरी एंड वन कैलोरी में कितना uh, जूल्स ऑफ वर्क ये होता है एनर्जी होती है फोर वन एट फोर तो मल्टीप्लाइड विद फोर वन एट फोर देखो एक्चुअली क्या है ना ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि वन कैलोरी इज टू तो थाउजेंड कैलोरी इसमें सी कैपिटल है इसमें सी स्मॉल है तो जनरली ये एक बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि वन कैलोरी इज इक्वल्स टू वन किलो कैलोरी ये ऐसे लिख देते हैं हम लोग और अगर मैं इसको जूल्स में देखूं तो ये फोर वन एट फोर जूल्स होता है करेक्ट तो यहां से एक बार में जितनी एनर्जी एक पायलट ले सकता है दैट वुड बी इक्वल्स टू वन पॉइंट वन सेवन टाइम्स टेन टू द पावर सिक्स जूल्स

तो यहां से कितनी वैल्यू आएगी दैट वुड बी अराउंड वन पॉइंट नाइन बार्स तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि दो बार आपको खानी है तो आपको इतनी एनर्जी आ, मिल जाएगी ताकि आप वर्क कर सको देखो ये जो वैल्यू आई है वैल्यू तो ठीक है नो डाउट बट आपने जितनी एनर्जी कंज्यूम करी इसको स्नीकर्स खाने में वो सारी की सारी एनर्जी इसमें कन्वर्ट नहीं होती है क्योंकि बॉडी में काफी और भी अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं जैसे हार्ट अपना फंक्शन कर रहा है लंग्स अपना फंक्शन कर रहे हैं है, वहां भी कुछ एनर्जी लगती है तो पूरी की पूरी एनर्जी तो आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे लेकिन हाँ अगर मैं हंड्रेड परसेंट एफिशियसी मानूँ तो मैं ये कह सकता हूं कि आप दो बार खाओगे और इजिली uh, आप इतनी एनर्जी uh, प्रोड्यूस कर सकते हो तो काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था एंड ये था इसका आंसर अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो दिस क्वेश्चन विल बी द फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो एंड यहाँ पे कह रहे सर्टेन कार कैन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू द स्पीड वी इन टी सेकेंड्स तो जीरो से वो स्टार्ट करती है एंड वो स्पीड uh, वी पे पहुंच जाती है इन टाइम टी इफ द पावर आउटपुट ऑफ द कार रिमेन्स कॉन्स्टेंट सो जो पावर आउटपुट है ये कॉन्स्टेंट है कार के लिए हमें ए पार्ट में बताना है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक फोर द कार टू एक्सलरेट फ्रॉम वी टू टू वी तो v से 2v पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए होगा लेट दिस बी टी टू तो ये हमें निकालना है तो जनरली पीपल ये सोचते हैं कि अगर स्पीड टू टाइम्स हो रही है तो टाइम भी टू टाइम्स लगना चाहिए उसको इतनी स्पीड पहुंचने में बट एक्चुअली ऐसा है नहीं देखिए पहले हम निकालते हैं पावर निकाल लेते हैं पावर हमें कॉन्सटेंट हमें ये चीज हमें दे रखी है तो यहाँ पे भी जितनी पावर लग रही है जो इंजन जो पावर लगा रहा है कार पे वो भी पी है और यहाँ पे जो पावर लग रही है वो भी पी ही है तो अगर मैं इस इन दोनों के टर्म में देखूँ तो हमें पता है कि जो पावर होती है दिस इज वर्क ओवर टी बोल दो यार ये चीज़ हमने बेसिक चीज हमने पढ़ी थी एंड वर्क क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल दो यार ओवर टी करेक्ट तो यहाँ से जो टी आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड से लेके वी तक ले रही है टी तो कैपिटल टी इज इक्वल एनर्जी एनर्जी माइनस द इनिशियल एनर्जी देखो इनिशियल कानेटिक एनर्जी तो जीरो स्पीड उसकी जीरो है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी वन ओवर टू एम वी स्क्वे ओवर पी करेक्ट तो यहां से अपन पी का एक्सप्रेशन निकाले जाएंगे एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू वन ओवर टू टी एम वी स्क्वे तो ये है पावर जो कि कांस्टेंट है ओके okay. नेक्स्ट वो कह रहे हैं वी से टू वी करने में कितना टाइम लगा होगा तो सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जो अभी हमने देखा देखो टाइम हमें अभी हमने पढ़ा कि टाइम इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर पावर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर पावर अच्छा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है so, M, uh, square, uh, M, Now, इस में जो फाइनल स्पीड है वो कितनी हो रही है टू वी और इनिशियल स्पीड कितनी है वी तो मैं क्या यहां लिख दू वन ओवर टू एम ये हो जाएगा टू वी का स्क्वायर माइनस वन ओवर टू एम ये हो जाएगा वी का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर देखो पावर हम ऑलरेडी निकाल चुके दिस इज वन ओवर टू टी टाइम्स एम वी स्क्वायर वन ओवर टू टी मल्टीप्लाइड विद एम वी स्क्र दिस इज इक्वल्स टू टी एंड हमें पता है टाइम हमने स्टार्टिंग में लेके चल रहे थे कि टाइम टी टू लग रहा है तो इसको मैं यहाँ ले देता हूँ टी टू करेक्ट अब देखो यहाँ से कुछ चीज़ें कट हो रही हैं हाफ हाफ और ये हाफ कट जाएगा एंड ये जो एम है ये एक्चुअली ये एम वी स्क्वायर है यहाँ पे तो थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे एम स्क्वायर नहीं है ये एम वी स्क्वायर है तो ये एम एम और एम ये भी कट जाएगा बोल दो यार तो दैट वुड बी इक्वल्स ये हो जाएगा टू वी का स्क्वायर मतलब फोर वी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर और ये जो टी है ये मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ तो ये टी ऐसे लिख सकता हूँ मैं ठीक है और ये फोर वी स्क्तर माइनस वी जाएगा थ्री so, so, वी so, से थ्री वी क्या वैल्यू आगे जितना टाइम इसको यहां लगाता स्पीड वी पहुंचने में टू वी पहुंचने के लिए आपको तीन गुना टाइम लग जाएगा थ्री टी तो ये था आंसर ए पार्ट का अच्छा बी पार्ट में कह रहे हैं हाउ फास्ट इज द कार इज मूविंग एट

तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो पावर मल्टीप्लाइड विद टाइम होगा ये किसके बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के हम चाहते हैं कि जो टाइम है वो टूटी हो जाए ये है ना कि जब टाइम टूटी है तब वो कितना स्पीड पे रही होगी ये हमें निकालना है तो टाइम अगर टू टाइम्स टी हो जाएगा तो पावर मल्टीप्लाइड विद टू टाइम्स टी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड क्योंकि इनिशियल उसकी स्पीड जीरो थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वन ओवर टू एम वी एफ स्क्वायर अच्छा यहां पे एक डाउट आ सकता है कि इनिशियल जो है वो जीरो क्यों है देखो आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बी पार्ट में कि हाउ फास्ट इज द कार इज मूविंग एट टू टी सेकेंड फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग का मतलब यहां से जब यहां से टाइम टूटी हो जाता है तब क्या स्पीड रही होगी ये मत ये मतलब नहीं है कि यहां से यहां से बोल रहे हैं स्टार्टिंग से तो इसलिए जो इनिशियल स्पीड है वो ज़ीरो है इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी अच्छा पावर जो है वो कॉन्सटेंट है वो इसका एक्सप्रेशन हमने क्या निकाला था ये तो क्या मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ पावर को तो पावर को मैं लिख सकता हूँ वन ओवर टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय दिस टी एज इट इज ये हमने निकाला था मल्टीप्लाइड विथ टू टी इज इक्वल्स टू वन ओवर टू एम वी फाइनल का स्क्वायर अच्छा यहां से कुछ चीजें कटेंगी मास और ये मास कटेगा ये टाइम और ये टाइम कटेगा ये टू और ये टू कट जाएगा ठीक है तो यहां से वी एफ कितना हो जाएगा ये टू को मैं इधर ले जाऊँ तो टू टाइम्स वी स्क्वायर और ये वी एफ स्क्वायर है यहाँ पे तो यहां से वी एफ की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अंडर रूट टू वी तो ये हो गया आंसर बी पार्ट का मतलब जब टाइम डबल हो जाएगा जो स्पीड है वो रूट टाइम्स वी इतनी इंक्रीज कर जाएगी तो ये था आंसर बी पार्ट का एंड इसी के साथ हमने सारे लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं रिलेटेड टू पावर इन द कमिंग कपल ऑफ वीडियोज विल सी सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर एंड वो क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं इस चैप्टर के भले ही वो पावर पे हो या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम पे हो या वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स या वेरिएबल फोर्स किसी भी भी हो सकता है तो आने वाले कुछ वीडियोस में uh, हम मिक्स क्वेश्चन बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय